Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss regarding revised MTP Act. ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ओल्ड MTP Act में क्या क्या चीजें या रूल्स थे, या जो भी हमारे न्यू MTP Act है या रिवाइज्ड MTP Act है उसमें क्या क्या रूल्स हैं. ठीक है, सो डिस्कस करते हैं इसको. सबसे पहली बात कि रिवाइज MTP एक्ट कब आया था. तो रिवाइज MTP एक्ट हमारा इफेक्ट में आया था 2021 में, लेकिन जो भी हमारा लोकसभा राज्यसभा होता है यहाँ पर इसका जो बिल था वो पास हो गया था 2020 में, जबकि ये इफेक्ट में कब आया है 2021 में. जैसे कि हम पुराना वाला जो MTP एक्ट पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि वो हमारा आया कितने में था, 1971 में, जबकि इफेक्ट में कब आया था 1972 में. तो हमें मेनली हम कौन से याद रखते हैं कि कब वो इफेक्ट में आता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इफेक्ट वाला पॉइंट लिखा है, क्योंकि ये कब वो आया था इफेक्ट में 2021 में. ठीक है, तो ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना और यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना. ठीक है, इसके बाद ओल्ड MTP एक्ट और न्यू MTP एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें चेंज हुए हैं. ठीक है, सबसे पहली बात कि ओल्ड MTP एक्ट में हम क्या बोलते थे कि कोई भी जब अबॉर्शन, लीगल अबॉर्शन जो होता है वो कि वो हो सकता है 20 वीक से कम में, लेस देन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में, जबकि न्यू MTP एक्ट क्या बोलता है कि अबॉर्शन कोई भी जो भी लीगल अबॉर्शन है वो कोई कब तक करवा सकता है, लेस देन 24 वीक्स में, कब तक, 24 वीक से कम में. ठीक है, अब यहां पर आप कुछ और चीजें मैं आपको बता देती हूँ इम्पोर्टेंट, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने बोला तो है कि 24 वीक से कम में कोई अबॉर्शन करवा सकता है जो न्यू MTP एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रेसेप्शन की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें हम कब तक अबॉर्शन करा सकते हैं, उसके लिए भी रूल्स है कि अगर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रेसेप्शन की वजह से अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है तो कोई भी फीमेल अबॉर्शन करवा सकते हैं, लेकिन लेस देन 20 वीक्स तक, कब तक, 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से कम तक, तब वो करवा सकते हैं अबॉर्शन. क्लियर. सेकेंड पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर कोई रेप विक्टिम है या कोई इंसेस्ट है, रेप विक्टिम तो आपको पता ही होगा, लेकिन इंसेस्ट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ. इंसेस्ट का मतलब होता है जैसे मान लो अगर कोई कोई भी फीमेल है वो फैमिली मेंबर के थ्रू रेप्ड हुई है तो उसको हम बोलते हैं इंसेस्ट. इन केसेस में भी हम क्या करते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं लेकिन लेस देन 24 वीक्स में. याद रखना, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में लेस देन 20 वीक्स में करवा सकते हैं, जबकि रेप विक्टिम या कोई इंसेस्ट हो तो उन केसेस में हम लेस देन 24 वीक्स में अबॉर्शन करवा सकते हैं, और मोर देन 24 वीक्स के लिए भी है ना. आप इसमें थोड़ा सरप्राइज हो रहे होंगे क्योंकि मैंने यहां पर कह लिया कि लेस देन 24 वीक्स में अबॉर्शन करा सकते हैं. ठीक है, ये तो आपको याद रखने ही है, लेकिन जो न्यू MTP के एक्ट के अकॉर्डिंग एक उन्होंने ये भी बता रखा है कि मोर देन 24 वीक्स में भी अगर कोई फीमेल है, ठीक है, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज है कुछ बेबी में, ठीक है, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे मान लो अगर कोई फीमेल है बहुत गांव के कोई बिल्कुल पिछड़े इलाके में रहती है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि जो भी ANC विजिट्स होती है वो 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, है ना, लेकिन अगर कोई फीमेल है बहुत दूर कहीं गांव में रहती है, वहां पर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, तो वो रोज रोज तो हॉस्पिटल या महीने महीने में तो हॉस्पिटल के लिए विजिट करवाने नहीं आएगी ANC विजिट के लिए. तो उन केसेस में क्या होता है कि मान लो अगर एक बार स्टार्टिंग में आई थी जब उसे पता चला कि प्रेग्नेंट हो चुके हो, उसके बाद वो सीधे तब आ रही है जब डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी के टाइम पे, तो उसको तब पता चलता है कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज है, तो उस केस में भी वो फीमेल मोर देन 24 वीक्स के बाद भी क्या करवा सकती है, अबॉर्शन करवा सकती है. ठीक है, तो उसके पर उस चीज में हमें कुछ चीजें याद रखनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, ये चीज हमने कंप्लीट कर दी कि ओल्ड MTP एक्ट बोलता था लेस देन 20 वीक्स, जबकि न्यू MTP एक्ट बोलता है मोर देन 24 वीक्स. क्लियर. अब ओल्ड MTP एक्ट बोलता था कि सिर्फ एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होता है अगर हम लेस देन 12 वीक्स में जो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रहे हैं या अबॉर्शन करवा रहे हैं. ओल्ड वाला क्या बोलता था कि सिर्फ एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए इफ प्रेगनेंसी इज लेस देन 12 वीक्स. क्लियर. जबकि जो हमारा न्यू MTP एक्ट है ये बोलता है कि एक डॉक्टर का ओपिनियन सिर्फ कब चाहिए, जब प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है,
20 वीक्स ये क्लियर। ओल्ड एमटीपी एक्ट में बोलते थे कि 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए जब प्रेगनेंसी हमारी है लेस देन 20 वीक, ठीक है। जबकि न्यू एमटीपी एक्ट में बोला जाता है कि 2 डॉक्टर का ओपिनियन कब चाहिए होता है, जब प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हो, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया था कि 24 वीक्स के बाद भी करवा सकते हैं, लेकिन वो किन केसेस में, जब कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या ठीक है, तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उन केसेस में। तो मोर देन 24 वीक्स में 1 डॉक्टर के ओपिनियन से भी नहीं चलेगा, 2 डॉक्टर के ओपिनियन से भी नहीं चलेगा, इसमें क्या चाहिए, मेडिकल बोर्ड होता है उसका ओपिनियन चाहिए होता है, क्लियर। तो कोई भी आपसे अगर पूछता है कि जो भी अब कोई आपसे पूछे क्वेश्चन कि एमटीपी एक्ट, जो भी एमटीपी एक्ट है रिवाइज एमटीपी एक्ट, तो वो कब आया था, तो आप बोलेंगे 2021 में। पहला क्वेश्चन, कब तक कि हम इसमें जो भी अबॉर्शन कराना कब तक लीगल होता है, तो आप बोल सकते हैं लेस देन 24 वीक्स, लेकिन मोर देन 24 वीक्स भी हो सकता है इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपके यहां से बन गए, बाकी क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। एक आपको यहां पर इंसिस्ट वाला वर्ड याद रखना है, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन रेप कर रहा है अपने किसी फैमिली मेंबर का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो न्यू एमटीपी एक्ट में उन्होंने ये गाइडलाइन भी दी है कि कोई अगर इंसिस्ट भी होगा तो उनका भी क्या कर सकते हैं, लीगल अबॉर्शन माना जाएगा टिल 24 वीक्स, ठीक है। बाकी आप ये पॉइंट्स याद रखना कि 20 वीक्स में 1 डॉक्टर का ओपिनियन, 20 to 24 वीक्स में 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन, एंड मोर देन 24 वीक्स में मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन नीडेड होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।